नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। पानीपत में बिजली कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन काफ़ी लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों को लेकर के प्रदर्शनरत है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उनकी मुख्य मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना, एक्रोसेसिया पॉलिसी लागू करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, एस्मा जैसे काले कानून को रद्द करना व कैशलेस मेडिकल पॉलिसी लागू करना आदि सरकार से ज़्यादातर मांगे मान ली थी, लेकिन अभी तक यूनियन की मांगों को सरकार ने लागू नहीं किया है। वहीं उन्होंने पानीपत के लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम पानीपत के उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने समय रहते उनकी मांगे अगर नहीं मानी तो 23 तारीख को हरियाणा में कर्मचारी पंचकुला पहुँच करके ACS पावर का घेराव करेंगे, जिनका पहले से ही विभाग को नोटिस दिया हुआ है। अगर किसी भी मांग पर गौर नहीं किया गया तो 30 तारीख को एक दिन की हड़ताल की जाएगी। ने हमारी मांगे बातचीत के माध्यम से मान ली गई थी और वो आज तक धरातल पे लागू नहीं हुई। इसीलिए हमारा पहले सब नोट लेवल पे प्रदर्शन था 2 घंटे का, फिर हमें यूनिट लेवल पे प्रदर्शन किया। आज पूरे प्रदेश में सर्कल, पूरे सर्कल की तरफ से DC को माध्यम से विज्ञापन दे रहे सरकार को, और जैसे मांगे हमारी कैशलेस पॉलिसी, एसग्रे वो पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन देना, इसी तरह की रिस्क अलाउंस, इसी तरह की हमारी डिमांडें सरकार ने मानी थी। आज वो सरकार अपने वादों से मुकरती जा रही है। आज पूरी हरियाणा के कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में डालो, आज वो रोडों पे घूम रहे हैं और सरकार की वादा खिलाफी के बारे में आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है। HSE वर्कर यूनियन की तरफ से पूरे रोडवेज के साथियों को के साथ हूँ, जो भी आगे वो प्रदर्शन करेंगे HSE वर्कर यूनियन भी उनका साथ देगी। आज 23 तारीख को हमारे पूरे ACS पावर पंचकुला में बैठते हैं, उनका घेराव का नोटिस दिया हुआ। 23 तारीख को पूरे हरियाणा की कर्मचारी पंचकुला में पहुंचेंगे और फिर भी सरकार नहीं मानी, 30 तारीख को एक दिन की स्ट्राइक करेगी HSE वर्कर यूनियन। मानने गई तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ की तरफ से 14 और 15 तारीख को 2 दिन की हड़ताल रहेगी, उसमें भी कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेगा।